नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाउट, गाउट के क्या क्या कारण होते हैं और गाउट से गाउटी अर्थराइटिस कैसे बनता है और गाउट के लिए ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आप यूज करके आपकी गाउट की जो गंभीर परेशानियां हैं उसको दूर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जब भी नए वीडियोस में अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं, गाउट होता क्या है। गाउट में क्या होता है कि जो यूरिक एसिड होता है उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो क्रिस्टल्स आपके जोड़ों में, छोटे जोड़ों में जमा हो जाते हैं और वो जमा होकर एक प्रकार के अर्थराइटिस को जन्म देते हैं, जिसे हम गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। गाउट को हम गठिया या फिर अर्थराइटिस भी कहते हैं दोस्तों। जब खून में और उत्तकों में जब यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है तो हम उसे गठिया कहते हैं, गठिया रोग हो जाता है, ऐसे बोल सकते। तो दोस्तों, ये गाउट जो है ये आपके किसी भी जोड़ को प्रभावित कर देता है। खासकर ये जो यूरिक एसिड है वो किसी भी जोड़ में जमा हो जाता है, जैसे कि आपके पैर का जो अंगूठा है उस पर वो जमा हो जाता है और उधर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन जैसे साइन दिखाता है। ये फर्स्ट साइन होता है आपको गाउट हुआ है, ये पहचानने में आसानी होती है दोस्तों। आपकी उंगलियों में, उंगलियों के जो जोड़ होते हैं उसमें भी यूरिक एसिड जो है वो जमा हो जाता है और आपको गाउट जैसी परेशानियां होती है। अगर आपको पुरानी चोट है तो उसके कारण भी आपको गाउट जैसी समस्याएं जो है वो हो सकती है। हालांकि कुछ मामलों में ये जो गाउट का जो डिसीज है ये जेनेटिक भी होता है। अगर आपके माता पिता को अगर ये गाउट की परेशानी है तो आपको भी फ्यूचर में चलकर गाउट जैसी गंभीर परेशानी हो सकती है दोस्तों। अधिक मात्रा में अगर आप प्रोटीन का सेवन करते हैं या फिर आप शराब पीते हैं या फिर नियमित रूप से आपको फास्ट फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो उसके वजह से आपकी जो यूरिक एसिड की मात्रा है शरीर में वो बढ़ जाती है और उसके वजह से आपको गाउट जैसी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। कुछ इम्पोर्टेंट सलाह है, जैसे कि हमारे शरीर में ये जो बीमारी है ये बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो इसलिए आपका जो यूरिक एसिड का लेवल जो है ये आपने चेक जो है वो करते रहना चाहिए। या अगर आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो 6 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको गाउट का खतरा हो सकता है। तो आप इसे नियमित रूप से चेक करते रहिए और आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो मेंटेन करते रहिए दोस्तों। यूरिक एसिड अधिक हो जाने पर आपको किडनी की पथरी होने का भी खतरा बढ़ता है, इसलिए आप बहुत सारा पानी पीजिए कि आपकी किडनी में पथरी ना जमा होगी और आपका जो यूरिक एसिड है वो यूरिन में निकल जाएगा दोस्तों। इसी के साथ आपका जो ब्लड शुगर जो है वो आपने नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। आपके डाइट में आपने फाइबर युक्त अनाज लेना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जंक फूड का जो सेवन है वो आपने कम करना चाहिए, हो सके तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। यह बीमारी जो है वो 50% लोगों में 6 महीने के लिए दिखती है और उसके बाद 2 सालों के बाद ये फिर से रिपीट होती है दोस्तों। यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ने के मुख्य कारण होते हैं, जिसमें पहला जो कारण है एक प्यूरिस नाम का एक प्रकार का रसायन आपके शरीर में होता है। अगर ये बढ़ता है तो उसकी वजह से आपको यूरिक एसिड जैसी तकलीफें होती है दोस्तों। ज्यादातर ये खाद्य पदार्थों के कारण ये जो रसायन है वो बढ़ता है। अगर आप अंडे ज्यादा खाना पसंद करते हो, नट्स ज्यादा खाना पसंद करते हो तो उसमें ये जो प्यूरिस नाम का रसायन जो है ये पाया जाता है दोस्तों। शरीर के द्वारा अगर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होता है तो उसके वजह से भी आपको गाउट जैसी परेशानियां हो सकती है दोस्तों। अगर आपके शरीर में एसिड का निर्माण जो है वो ज्यादा है, यानी कि आपको अनुवांशिक समस्याएं है, मेटाबॉलिज्म है या फिर ल्यूकेमिया जैसी तकलीफ है, कैंसर के लिए अगर आप कुछ ट्रीटमेंट लेते हो जैसे कि कीमोथेरेपी हो या फिर रेडिएशन हो, उसके वजह से भी ये जो यूरिक एसिड का जो खतरा है वो बढ़ने लगता है दोस्तों। यूरिक एसिड का लेवल जो है ये अगर आपकी किडनी में कुछ बीमारी है तो उसके वजह से भी बढ़ सकता है। शराब पीने से भी आपका जो यूरिक एसिड का जो स्तर है वो बढ़ जाता है दोस्तों। अगर आपको मोटापा हो या फिर अचानक
आपका वजन जो है वो बढ़ता हो तो आपका यूरिक एसिड का जो स्तर है बढ़ने का वो भी बढ़ जाता है दोस्तों। जो लोग गंभीर बीमारियों के लिए अगर मेडिसिन का सेवन करते हैं और बहुत सारी औषधियां लेते हैं तो उसके वजह से भी उनका जो यूरिक एसिड का जो स्तर है वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो अभी चलते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट पार्ट पे, वो है होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर गाउट। तो गाउट के लिए ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप यूज करके आपकी जो गाउट की परेशानियां है, यूरिक एसिड बढ़ने की जो परेशानियां है उसको जड़ से खत्म कर सकते हो दोस्तों। इसमें पहली जो दवा आपको लेनी है वो है एसिड बेंजोइक 200। एसिड बेंजोइक की 200 जो मेडिसिन है ये आपको दो बूंद आपके टंग पर डालने हैं। दो बूंद आपके टंग पर डालकर आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम को। ये जो मेडिसिन है ये डाइल्यूशन फॉर्म में आती है और आपको किसी भी होम्योपैथिक जो फार्मेसी है उधर ये जो दवा है ये आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट जो दवा है इसके लिए वो है बर्बेरिस बल्गारिस मदर टिंचर, अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर और लेडम्पन मदर टिंचर। ये 3 मदर टिंचर आपको लेने हैं और एक खाली शीशी में इसका 20 ml जो है वो मदर टिंचर, हर एक मदर टिंचर जो है वो 20 ml वो उस शीशी में डालना है। ये 3 मदर टिंचर अच्छे से मिक्स करके आपको इसके 15 या 20 बूंद लूक वार्म वाटर में डालकर, गुनगुने पानी में डालकर आपको इसको सुबह, दोपहर और शाम ऐसे दिन में 3 बार लेने हैं दोस्तों। तो आपकी जो गाउट की परेशानियां है वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। ये जो सारी दवाइयां मैंने वीडियो में बताई है इसके पिक्चर्स मैंने वीडियो में लगाए है ताकि आपको पहचानने में आसानी होगी दोस्तों, और आपको ये जो दवा है वो किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में इजीली अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। तो आपको गाउट जैसी गंभीर परेशानियां हैं तो ये जो दवा है ये लगातार आप 6 महीने के लिए यूज कीजिए। इससे आपकी जो परेशानियां है वो खत्म हो जाएगी और आप गाउट जैसे गंभीर परेशानियों से मुक्त हो जाओगे दोस्तों। तो ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनको भी गाउट जैसी परेशानियां है उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी परेशानियां जो है वो कम हो सकेगी दोस्तों। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।